कावड़ू मार्ग पर एसडीएम के आदेश पर अंगरक्षक ने ओवरलोड वाहन को रुकवाने की कोशिश की, लेकिन वाहन चालक ने तेज गति से भागते हुए वाहन का डाला खोल दिया, जिससे सरकारी वाहन में सवार एसडीएम चालक और अंगरक्षक बाल बाल बचे। इस दौरान अंगरक्षक ने फुर्ती दिखाते हुए आरोपी को काबू कर पुलिस को सौंप दिया। वहीं चालक वाहन सहित फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं तावड़ू उपमंडल अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि सरकारी वाहन से एसडीएम चालक और अंगरक्षक समेत नूह से आ रहे थे। इस दौरान सरकारी वाहन को टक्कर मारने की कोशिश की गई। अपने स्टाफ के साथ नूह से तावड़ू आ रहा था, तो रास्ते में ओवरलोडेड रोडी से भरा हुआ डंपर दिखाई दिया। तो जैसे हमें पता लगा कि ओवरलोडेड है, तो उसको हमने रोकने की कोशिश की और उसे साइड ली, तो साइड दी ही नहीं उसने। और ये देख के उसने डंपर को तेज गति से आगे बढ़ा दी उसकी गति, और जैसे हमने साइड ली तो बिल्कुल साइड में ली, और उसके बाद हमने उसका पीछा किया। पीछा करते हुए वो पचगावा से पहले बुरा का गांव है, उसके अंदर से वो लेके गया उसको गांव के अंदर से, काफी डेंजरस ड्राइविंग करते हुए। तो एक उसका साथी बाइक पे आया और उसने बाइक खड़ी करके पीछे से डाला खोलने की कोशिश की, और उसके बाद उसको हमने काबू किया। तो दूसरे लड़के ने डाला खोल के, और वो जो रोड़ी थी आगे हमारे बिल्कुल सड़क के आगे, उसको डंपर को खाली कर दिया। तो इसमें जो है एक लड़का हमें मिला है, वो उससे सारी जानकारी मिली है उस ट्रक के बारे में, ड्राइवर के बारे में। और इसमें जो था, जैसे कि सरकार की हिदायत है कि ओवरलोडेड ट्रक्स को जो है रोकना है, किस तरह की ये ना हो इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन, तो उस संदर्भ में हमने एक प्रयास किया था उसको रोकने के लिए। जो आप गाड़ी रोक रहे थे वो कौन सी जगह थी? वो हमने बावला गांव है तावड़ू से पहले, वहां पर हमने रोकने की कोशिश की थी। तो जब हमने रोकने की कोशिश की, ओवरटेक किया, तो हमें पता लग गया था उसके मंसूबे क्या है। तो अगर हम ओवरटेक करते तो लाजमी था कि वो हमारे को हिट करता करता। उसके बाद भी हमने प्रयास किया तो उसने हमारे को साइड नहीं दी, बीच सड़क में वो उस ट्रक को तेज गति से चलाता है। तो क्या अभी आपकी तरफ से कोई शिकायत दी गई इस मामले में? हाँ, इसके बारे में FIR दी गई है, FIR हो भी गई है, और पुलिस जो है इसमें तफ्तीश भी कर रही है। सर, बात करें ओवरलोडिंग की, जैसे जिस तरीके से पहाड़ में अवैध खनन चल रहा है, उसको लेके इसके लिए किस तरीके के कदम उठाए जाएंगे? इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरह शुरुआत कर दी गई है, नाइट पेट्रोलिंग भी हो रही है, और इनको रोका भी जा रहा है और इनके चलान भी किए जा रहे हैं।